हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे 2D कैरेक्टर एरे से रिलेटेड। ठीक है, अब आज हम इसका एग्जांपल करने वाले हैं और एग्जांपल में मैं इसी को लेता हूं जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक कैरेक्टर एरे डिस्कस किया था, 5 रो और 10 कॉलम का। तो इसी को लेते हुए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। आज हम देखेंगे कैसे हम एरे के अंदर डेटा एंटर करवा पाएंगे और कैसे उसमें से डेटा को फेच करवा पाएंगे। तो हेडिंग मैंने यहाँ पे दे दी है, एक्सेप्टिंग यूज़र इनपुट इन 2D कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो मैंने एक डबल डायमेंशनल मुझे एरे बनाना है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, str नाम दिया। मैं चाहता हूँ 5 रो रहें और हर रो के अंदर 10-10 कॉलम रहें। ठीक है, 5 नाम 5 स्ट्रिंग्स और एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम मैं चाहता हूँ अल्फ़ाबेट कितने रहें, 10 रहें, है ना। और आपको ये भी ध्यान देना है कि एक कैरेक्टर स्लेस 0 के लिए रहेगा, एक सेल जो रहेगा स्लेस 0 नल कैरेक्टर के लिए रहेगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि हम लूप का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर के अंदर हमें जब डेटा लेना था तो वहाँ पर तो हमने डायरेक्ट गेट्स या फिर स्कैनफ का यूज़ करते हुए एक बार में डेटा ले लिया था। बट अभी हमारे पास एक एरे नहीं है, एरे तो एक है बट सिंगल डायमेंशनल के फॉर्म में देखें तो ये 5 हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 5 स्ट्रिंग्स एंटर करनी है, एक स्ट्रिंग एंटर नहीं करनी। तो हमने लूप का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने एक लूप वेरिएबल बना लिया पहले, इंटीजर आई नाम का। आई को मैंने स्टार्ट किया 0 से, क्योंकि एरे का जो रो इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और हमें 5 नाम एंटर करने, तो मैंने इसको चलाया 0 से लेके स्मॉलर देन फाइव, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं अगर ये इसका रो नंबर 5 है तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4 तक है, मतलब जो रो साइज है उससे कम तक। ठीक है, और कॉलम साइज तो कोई फिक्स नहीं रहेगा, कोई किसी का नाम 4 लेटर का, किसी का 5, किसी का 3। ठीक है, तो इसलिए 0 जो है डिफरेंशिएट करेगा कि हमने कितना डेटा एंटर किया है। ठीक है, तो आपको पता है इसमें जब डेटा डालना होता है तो हमें स्टार्टिंग एड्रेस बताना पड़ता है। तो अगर आप लिखेंगे str0 तो पहली रो का स्टार्टिंग एड्रेस पता चल जाएगा, str1 तो दूसरी रो का स्टार्टिंग एड्रेस पता चल जाएगा। एरे का नाम जो होता है बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे में। ठीक है, तो हमने एक लूप चलाया 0 से लेके स्मॉलर देन 5, मतलब 0 से लेके 4 तक ये चलेगा। ठीक है, अब मैंने इस फॉर लूप के अंदर सबसे पहले तो एक मैसेज दिया प्रिंटफ से, एंटर ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज दिया एंटर नेम। अब ये मैसेज कितनी बार आएगा, ये मैसेज 5 बार आएगा क्योंकि ये लूप के अंदर है और लूप चलेगा 5 बार। ठीक है, अब आपको पता है अगर आपको पहली रो के अंदर डेटा लेना है तो आप क्या लिखेंगे, % s कॉमा एरे का नाम str, फिर आपने लिखा 0। तो इससे क्या होगा, पहली रो के अंदर डेटा एंटर होगा, और जब आप लिखेंगे str1 तो दूसरी रो के अंदर डेटा एंटर होगा, str2 तो तीसरी रो के अंदर आप नाम एंटर करेंगे। तो बस आपको ये नंबर चेंज करना है और ये नंबर हमें यहाँ से ही मिल सकता है i के थ्रू। पहली बार में i की वैल्यू 0 होगी, दूसरी बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू 1 होगी, तीसरी बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू 2 होगी। तो हम यहाँ पर i भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप 5 बार ये लिखें एंटर नेम और 5 बार एक एक करके 0, 1, 2, 5, 5 के लिए तो ठीक है, लेकिन 50 नाम लेने होंगे तो 50 बार लिखना पड़ेगा। वहाँ पे
हम ये तरीका ना यूज़ करते हुए लूप का तरीका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये मैसेज हमने लिखा तो एक ही बार है, बट लूप के कारण ये अपने आप 5 बार डिस्प्ले होगा, और जब भी ये मैसेज आएगा हम उस रो के करस्पॉन्डिंग डेटा एंटर करवाते जाएंगे। इससे क्या होगा, पहली बार जब लूप चलेगा तो STR 0 मतलब पहली रो का एड्रेस पता चल जाएगा, और ये पहली रो के एड्रेस से लेते हुए जो भी हमने नाम एंटर किया उसको अलग अलग सेल में डाल देगा पहली रो के। जब यहाँ पे 1 मिलेगा तो दूसरी रो का पहला एड्रेस मिल जाएगा, और पहले एड्रेस से लेते हुए अलग अलग सेल में नाम एंटर करवा देंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ये 5 नाम इनपुट करने का तरीका हो जाएगा। अब पांचों जो नाम एंटर किए हैं उसको हमें डिस्प्ले भी करना है, तो हमने सिमिलर एक और लूप लगा दिया। ये हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे, दूसरा लूप आउटपुट देना है तो स्कैनफ की ज़रूरत नहीं है, तो स्कैनफ को मैंने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा परसेंट एस कोमा STRI। ठीक है, और हर नाम आने के बाद मैं चाहता हूँ एक न्यू लाइन आ जाए, तो स्लेशन लगा दिया। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो इस फाइल को हम पहले तो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फाइल का मैंने नाम दिया है yt.c। ठीक है, yt.c मैंने इसका नाम दिया है, बट ये सॉफ्टवेयर मुझे एक बार फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल में जाके हमने ओपन किया और yt.c नाम की फाइल को सर्च किया। अब हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे मैसेज आ गया एंटर एनी स्ट्रिंग, जो है वो मैसेज हमें हटाना पड़ेगा। आप लूप के अंदर वाला मैसेज अगर देखें एंटर नेम, तो ये मैसेज हमें 5 बार आएगा। हमने कुछ नाम यहाँ पे एंटर कर दिए, जैसे मैंने नाम एंटर कर दिया राहुल। ठीक है, फिर मुझे मैसेज आया एंटर नेम, और अब मैंने कोई नाम एंटर किया विशाल। फिर एंटर नेम का मैसेज आया, अब मैंने नाम एंटर कर दिया रवि। फिर नेक्स्ट हमने नाम एंटर कर दिया प्रशांत। नेक्स्ट हमने एंटर किया सुमित। ठीक है, तो जो 5 नाम हमने एंटर किए वो पांचों आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब ये हम कुछ इसमें करेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला मैसेज हमने हटा दिया, और जो एंटर नेम है उसके बाद हम चाहते हैं जो नाम एंटर कर रहे हैं वो न्यू लाइन में एंटर किया जाए, तो हमने यहाँ पे स्लेशन लगा दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको 5 बार मैसेज आएगा एंटर नेम का, और आपने अलग अलग नाम यहाँ पे एंटर कर दिए। ठीक है, तो ये जितने भी नाम आपने एंटर किए वो सारे आप देख रहे हैं नीचे प्रिंट हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हमने सीखी, कैसे हम इसमें डेटा एंटर करवा पाएंगे लूप का यूज़ करते हुए, और कैसे सारे के सारे नाम हम फेच करने कर पाएंगे। तो आपको केवल पहला एड्रेस बताना पड़ता है। ठीक है, प्रिंट करवाने के केस में भी आपको बस ये एरे का नाम देना पड़ेगा विथ इंडेक्स नंबर, मतलब रो का नंबर आपको बताना पड़ेगा। तो उस एड्रेस से लेते हुए उस रो के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सारे प्रिंट हो जाएंगे SLS 0 के पहले तक। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।